हेलो दोस्तों, झारखंड पिजन्स यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबूतर के छोटे बच्चे जैसे 3 से 4 दिन के बच्चों का केयर कैसे करें। तो यहां पर आपको 2 कबूतर का बच्चा दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पर आप अपने कबूतर के बच्चों को सबसे पहले जिस बर्तन में वो रहता है उस बर्तन को आपको साफ़ कर देना है। यहाँ पर मैंने इस बर्तन को अच्छे से साफ़ कर दिया है और यहाँ पर जो फास्ट काट होता है वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप देखें, जिससे कि मच्छर इन्हें काट ना पाए। इसका जो खुशबू है, जो सेंट है, उससे मच्छर दूर रहेगा और आप इसके घर को साफ़ रखें। आप देखें जहाँ पर ये जिस बर्तन में रहता है इस बर्तन को आपको साफ करके रखना है। और जो फास्ट काट है वो मैं आपको दिखला देता हूँ, ये देख लीजिए, ये गुड नाइट का जंबो फास्ट काट है, ये आपको 15 रुपये में मिलेगा। तो आपको इसे फाड़ करके यहाँ पर इस तरह से बर्तन में डाल देना है। और यहाँ पर मैंने जो रेत होता है वो भी डाल दिया है, देखें आप, यहाँ पर रेत है और चारों तरफ से काट मैंने लगा दिया है जिससे कि कोई मच्छर इन्हें काटे ना। और अब मैं इसे उसके घर में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका रूम है इसे भी मैंने साफ़ कर दिया है, आप देखें रूम, मैंने जो ये कार्टून था यहाँ पर, कार्टून पहले लगा हुआ था, इसे भी साफ़ कर दिया है पूरी तरह से। यहाँ पर आप देखिए इसका जो रूम था ये मैंने पूरी तरह से साफ़ कर दिया है। और ये जो इनका फादर है वो अंदर में है, तो अब हम इसे लगाएंगे अंदर में। सबसे पहले और जो बर्तन है उसके बेस में मैं ये लगाता हूँ, आप देखें इस तरह से, ये इस तरह से आपको कोने में लगाना है इसे, फिर बर्तन को आपको अंदर रख देना है। तो हम इसे अंदर कर देते हैं और यहाँ पर बर्तन लग चुका है। देखें आप, इस तरह से आप भी अपने नए कबूतर के बच्चों को, जो 3 से 4 दिन का बच्चा होगा, उन सबको आपको इस तरह से केयर करना है, तो आपका जो कबूतर होगा वो मच्छरों से भी बचेगा और साफ़ सुथरा रहेगा, तो जो कीड़ा होता है वो सब भी नहीं होगा। तो मैंने इसके घर को पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, ये देखें, और इसमें गुड नाइट भी लगा दिया है जिससे मच्छर नहीं आएगा। तो एक और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो रेड बर्तन है तो इसे भी हम क्लीन करेंगे और यहाँ पर भी हम गुड नाइट का जो फास्ट काट है वो लगा देंगे। ये देख सकते हैं ये मार रहा है, ये गुस्सा में है अभी, तो इसे भी हम क्लीन करेंगे पूरा। और इसमें भी हम इस तरह से रेत लगा करके फास्ट काट वहाँ भी हम लगा देंगे। तो इसका जो एक बच्चा है वो अभी मैंने बाहर में रखा है, इसका साइज़ जो था वो छोटा है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ। ये साइज़ देखिए आप इसका, मैंने यहाँ पर अलग अलग कबूतर का अंडा डाला हुआ था इसलिए इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। तो अभी मैंने छोटे वाले को पहले यहाँ पर रखा है ताकि ये अच्छे से पेट भर के खाना खा सके, जो इसका पेरेंट्स है वो इन्हें इसे अच्छे तरह से खाना खिलाए। तो अब जो बाहर में जो बच्चा है वो मैं दिखला देता हूँ, उसका साइज बड़ा है इससे। तो जो होता क्या है कि जो बड़ा बच्चा होता है वो ज़्यादा खा लेता है और छोटा बच्चा खा नहीं पाता है, तो बड़ा वाला को मैंने अभी बाहर रखा है, छोटा वाला को बर्तन में रखा है ताकि ये अच्छे से खाना खा ले। तो बड़ा वाला बच्चा भी मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ, तो बाहर चलते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ। तो ये वाला बच्चा है, तो अब इसे भी हम अंदर ले जाके इसके जो बर्तन है इसका उसमें हम रख देते हैं ताकि ये भी आप कुछ खा ले। और ये जो मेरा लखा है अब देखें, हम इसे रख देते हैं यहाँ।
तो इसे हम पहले हटाते हैं यहाँ से। ये देखिए काफ़ी गुस्सा में है ये, और ये एक मेरा जो फेवरेट लखा है, और यहाँ पर बाकी लखा। तो आप भी इस तरह से अपने छोटे कबूतर के बच्चों का केयर कर सकते हैं, उनका देखभाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।